आरसीसी डिजाइन एंड ड्राइंग। तो हम अब पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफॉर्म और इक्विवेलेंट सेक्शन, यानी कि हमें जानना है कि हमारा इक्विवेलेंट सेक्शन क्या है, या हम इसे बोल सकते हैं ट्रांसफॉर्म सेक्शन। हमें ये भी जानना आवश्यक है कि हम जो इक्विवेलेंट सेक्शन या कि ट्रांसफॉर्म सेक्शन क्यों प्राप्त कर रहे हैं, हमें आवश्यकता क्या हुई कि हमने इस कॉन्सेप्ट को बनाया, इस कॉन्सेप्ट को जाना। तो इसकी आवश्यकता हमें इसलिए हुई कि जब भी हम डिज़ाइन करते हैं तो हम जो डिज़ाइन करते हैं उसे हम लेके चलते हैं सेफ्टी मोड में, यानी कि हमें सेफ्टी को देखते हुए अपना जो है स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना होता है। और हमारा जो स्ट्रक्चर है वो डिज़ाइन कब होता है सेफली, जब उसके पार्ट्स सेफली डिज़ाइन हुए हो। तो इसीलिए हमें जो सेक्शन यूज़ हो रहा है हमारा आरसीसी डिज़ाइन के अंदर, उसको हमें इक्विवेलेंट सेक्शन बनाना होगा ताकि हमारा कोई एक्सीडेंट ना हो पाए स्ट्रक्चर के अंदर। तो इसीलिए हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंट सेक्शन। तो इक्विवेलेंट सेक्शन को पढ़ने से पहले हमें कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है। तो इक्विवेलेंट सेक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, कंसीडर एन आरसीसी सेक्शन, यानी कि इक्विवेलेंट सेक्शन या ट्रांसफॉर्म सेक्शन निकालने के लिए हमने एक सेक्शन यानी कि आरसीसी सेक्शन को कंसीडर करा, हमने उस पर क्या करा, एक्सपेरिमेंट करा, एंड सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव लोड पी, और हमने उस सेक्शन पे लोड पी को अप्लाई करा, ठीक है। हमने एक सेक्शन लिया, उस पे लोड पी है जो, उसको अप्लाई करा। अब हमें कुछ टर्म्स के बारे में जानना है जिन टर्म्स का हम यूज करके इस कॉन्सेप्ट में इक्विवेलेंट सेक्शन को प्राप्त करेंगे। तो हम टर्म्स के बारे में पढ़ते हैं, लेट ए, ए क्या इंडिकेट करता है, ए इंडिकेट करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि उस सेक्शन का एरिया जिसे हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद आता है एसी का मींस होता है एरिया ऑफ कंक्रीट, यानी कि वो एरिया सेक्शन का जो कंक्रीट से बना हो। नेक्स्ट एएसटी, एरिया ऑफ स्टील, वो एरिया जो स्टील से बना हो वो कैलकुलेट करना है। एम मींस है मॉड्यूलर रेशियो, ठीक है। मॉड्यूलर रेशियो क्या होता है ये भी हम आपको अभी बताएंगे कि मॉड्यूलर रेशियो को हम इंडिकेट या डिफाइन किस तरीके से करते हैं। उसके बाद आता है हमारा सिग्मा एस, तो सिग्मा एस है वो इंडिकेट करता है स्ट्रेस इन स्टील, क्या करता है स्ट्रेस इन स्टील, यानी कि स्टील के अंदर कितना स्ट्रेस है। एस लाइक एस, ये इंडिकेट करता है स्ट्रेन इन स्टील, यानी कि हमारी जो स्टील है उसके अंदर कितना स्ट्रेन आ रहा है। एस लाइक सी, स्ट्रेन इन कंक्रीट, यानी कि हमारा जो स्ट्रेन है वो कंक्रीट के अंदर कितना है। उसके बाद पीएस मींस होता है लोड कैरिंग बाय स्टील, वो लोड जो कैरिंग हो रहा है यानी कि झेला जा रहा है स्टील के द्वारा, उसे हम कहते हैं पीएस, लोड कैरिंग बाय स्टील। पीसी का मींस है लोड कैरी बाय कंक्रीट, वो लोड जो कैरी करा जा रहा है कंक्रीट के द्वारा, उसे कहते हैं हम पीसी।
उसके बाद ए ई क्यू सी एरिया ऑफ इक्वेशन या एरिया ऑफ इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ए ई क्यू सी को कहेंगे इक्विवेलेंट एरिया ऑफ सेक्शन इन टर्म ऑफ कंक्रीट। तो ए ई क्यू सी ये इंडिकेट करता है इक्विवेलेंट एरिया को, किसके अंदर, कंक्रीट के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं ई एस की। ई एस जो है ये डिफाइन करता है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, यानी कि हमारी स्टील के अंदर कितना यंग मॉडुलस है। ई सी यंग मॉडुलस इन कंक्रीट, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। अब हमने इन टर्म के बारे में जान लिया कि इन टर्मों को क्या कहा जाता है, ठीक है, और इन्हीं टर्मों का यूज होगा हमारा इक्विवेलेंट सेक्शन निकालने के लिए। तो देखिए, हमें पता है कि हमारा जो सेक्शन है उस पर लोड लग रहा है, और जो लोड लग रहा है वो लोड किस किस पे लग रहा है, वो लोड लग रहा है हमारा लोड ऑफ स्टील यानी कि लोड कैरिंग बाय द स्टील, और पीसी यानी कि लोड कैरिंग बाय द कंक्रीट। इन दोनों लोडों को जब हम ऐड करते हैं तो वो क्या बनता है, टोटल लोड बनता है जो कि सेक्शन पे लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमें पता है कि जो लोड होता है, लोड होता है उसको हम किस तरह डिफाइन करते हैं, स्ट्रेस इनटू एरिया से। आपको एक टर्म और जानना होगा कि स्ट्रेस बराबर होता है लोड अपॉन एरिया। अब आप जब लोड निकालोगे तो आप स्ट्रेस से मल्टीप्लाई कर दोगे एरिया की, तो आपका क्या निकल जाएगा, लोड। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पे लोड ऑफ स्टील निकालना है और लोड ऑफ कंक्रीट निकालना है। तो लोड निकालने के लिए हमें स्ट्रेस और एरिया चाहिए, और जो हमें स्ट्रेस चाहिए वो किसका होना चाहिए, स्टील का, और जो एरिया होना चाहिए वो किसका होना चाहिए, स्टील का। तो यानी कि पी एस इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा एस ए एस टी, यानी कि स्ट्रेस इन स्टील, ओके, एंड स्ट्रेस इन एरिया इन स्टील, ओके। उसके बाद एट का साइन है, एट का साइन लगाया। अब बात करते हैं पी सी की। पी सी को हमने क्या बोला था, लोड कैरिंग बाय द कंक्रीट। यहाँ पे लोड है तो लोड किस तरीके से निकालेंगे हम, स्ट्रेस इनटू एरिया। तो स्ट्रेस कौन सा होगा, स्ट्रेस वो होगा जो कंक्रीट के ऊपर लग रहा है यानी कि सिग्मा सी, और वो एरिया होगा जिसपे कि स्ट्रेस कंक्रीट लग रहा है यानी कि ए सी। तो हमारा ये पोर्शन हुआ पी इज इक्वल टू सिग्मा एस ए एस टी प्लस सिग्मा सी ए सी। यहां तक हमने लोड निकाल लिया कि जो लोड है वो हमारे जो सेक्शन है उस पे क्या लग रहा है। अब हमें एक टर्म के बारे में जानना आवश्यक है। जब आपने लोड निकाल लिया तो आपको एक टर्म के बारे में भी जानना है कि द बॉन्ड बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट, यानी कि स्टील और कंक्रीट के बीच में जो बॉन्ड है, इज अज्यूम टू बी परफेक्ट, यानी कि वो परफेक्ट होना चाहिए। जो हमारा स्टील है और कंक्रीट है उसके अंदर बॉन्ड कैसा होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। सो दैट स्ट्रेन इन स्टील एंड सराउंडिंग कंक्रीट विल बी इक्वल। जब हमारा बॉन्ड परफेक्ट होगा स्टील और कंक्रीट के बीच में, तो हमारा जो स्ट्रेन है स्टील के अंदर, जो हमारा स्ट्रेन है स्टील के अंदर सराउंडिंग द कंक्रीट, और कंक्रीट के सराउंड में जो हमारा स्ट्रेन है वो इक्वल होगा। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, हमने साइन से इंडिकेट किया हुआ है, एस नॉट एस इज इक्वल टू एस नॉट सी, यानी कि स्ट्रेन इन स्टील इज इक्वल टू स्ट्रेन इन कंक्रीट, ओके।
अब हमें इस टर्न को थोड़ा चेंज करना होगा। हमें पता है स्ट्रेन इज इक्वल टू होता है स्ट्रेस डिवाइड बाय यंग मॉडुलस, यंग मॉडुलस। तो हम एफ नॉट एस को सिग्मा एस डिवाइड बाय ई एस के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि सिग्मा एस का अर्थ होता है स्ट्रेस, ठीक है, इन स्टील, और ई एस का मतलब होता है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन स्टील। ओके, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। उसके बाद हमने एफ नॉट सी लिखा है, इसको किस तरीके से लिखेंगे, स्ट्रेस सी, यानी कि सिग्मा सी। सिग्मा सी का मतलब क्या होगा, स्ट्रेस इन कंक्रीट, और ई सी यानी कि यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन कंक्रीट। यहां तक हमने बहुत ही इजी तरीके से कर लिया। अब हमने क्या करा, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है स्ट्रेस इन स्टील यानी कि सिग्मा एस। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा है ई एस यानी कि यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन स्टील, उसको हम डिवाइड में ले आएंगे किसके, सिग्मा सी के, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो यानी कि ई एस हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई में कर दिया, तो हमारा जो सिग्मा एस है स्ट्रेस इन स्टील वो क्या हुआ, ई एस अपॉन में ई सी इंटू सिग्मा सी। ओके, अब आपको जानना यह भी जरूरत है कि ई एस अपॉन में ई सी को कहते क्या है, तो इसको कहते हैं मॉडुलर रेशियो, यानी कि यंग मॉडुलस ऑफ स्टील डिवाइड बाय यंग मॉडुलस ऑफ कंक्रीट इज इक्वल टू एम, यानी कि एम इंडिकेट करता है मॉडुलर रेशियो को, मॉडुलर रेशियो को। अब हमने ई एस डिवाइड बाय ई सी को एम मान लिया, तो हमारी कैलकुलेशन बनेगी स्ट्रेस इन स्टील के अंदर सिग्मा एस इज इक्वल टू एम इनटू सिग्मा सी। इस तरीके से हम स्ट्रेस इन स्टील निकाल सकते हैं। और अब हमने स्ट्रेस इन स्टील तो निकाल लिया, अब हमें आवश्यकता है स्ट्रेस इन कंक्रीट निकालने की। तो हम जो ऊपर है इक्वेशन, इसी का प्रयोग करके हम स्ट्रेस इन कंक्रीट भी निकाल सकते हैं। किस तरीके से निकालेंगे हम, हमें निकालना है ये पोर्शन स्ट्रेस इन कंक्रीट। तो ये जो मॉडुलर रेशियो है, इस मॉडुलर रेशियो से हम स्ट्रेस इन स्टील को डिवाइड कर देंगे, यानी कि सिग्मा एस डिवाइड बाय एम इज इक्वल टू होगा सिग्मा सी, यानी कि स्ट्रेस इन कंक्रीट इज इक्वल टू क्या हुआ, स्ट्रेस इन स्टील डिवाइड बाय मॉडुलर रेशियो। अब हमने यहाँ पे जो चित्र दे रखा है, ये फिगर दे रखा है, ये हमारा है सेक्शन का फिगर। जो ये सेक्शन है ये इंडिकेट करता है हमारा नॉर्मल सेक्शन, ये जो है ये बार्स शो कर रहे हैं मेन बार से, ठीक है, मेन बार से। और यहाँ पे देखिए हमारा जो सेक्शन है, यहाँ पे ये जो इंडिकेट कर रहा है, ये कह रहा है इक्विवेलेंट वैल्यू को। इस इक्विवेलेंट वैल्यू को हमें जानना है कि इक्विवेलेंट है क्या, तो हम इसे जानते हैं, इट मींस दैट स्ट्रेस इन स्टील यानी कि जो स्टील के अंदर स्ट्रेस है इज एम टाइम्स, वो कितने गुना है, एम गुना है। एंड द स्ट्रेस इन कंक्रीट, जो स्ट्रेस इन कंक्रीट है वो इसके इक्वल है। एंड या फिर हम कह सकते हैं लोड कैरी बाय स्टील, यानी कि वो लोड जो कैरी करा जा रहा है स्टील के द्वारा इज एम टाइम्स द लोड कैरिंग बाय द कंक्रीट, वो किसके बराबर है, एम टाइम्स ऑफ लोड कैरिंग बाय द कंक्रीट, यानी कि जो लोड कैरी करा जा रहा है कंक्रीट के द्वारा। तो हम इसको समझते हैं कि हमारा जो लोड की इक्वेशन थी, हमारी लोड की इक्वेशन थी क्या, सिग्मा एस ए एस टी प्लस सिग्मा सी ए सी। तो हम सिग्मा एस की जगह क्या लिख सकते हैं, एम इंटू सिग्मा सी, वही हमने करा, एम इंटू सिग्मा सी ए एस टी लिखा हुआ है प्लस सिग्मा सी ए सी,
हमने ऐसा क्यों करा, ऊपर वाली स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि इसमें इन्होंने क्या कहा है, इसमें इन्होंने कहा है कि जो लोड कैरिंग हो रहा है स्टील के द्वारा वो कितने गुना है, m टाइम्स m गुना है, ठीक है, और किसके m गुना है, वो लोड कैरिंग बाय कंक्रीट, यानी कि वो लोड जो कंक्रीट के द्वारा कैरी करा जा रहा है, ठीक है, वो किसके बराबर है, लोड कैरिंग बाय द स्टील के बराबर, ठीक है। अब हमने यहाँ पे चेंजेस कर दिया, तो आप यहाँ देख रहे हैं इसमें और इसमें एक चीज कॉमन है, क्या, सिग्मा सी, सिग्मा सी हमने कॉमन ले लिया, बचा क्या, एम ए एस टी लिखा, मल्टीप्लाई में प्लस का साइन लगाया, इसमें क्या आया, ए सी। अब आपको पता है कि आपको निकालना है क्या, आखिरकार लोड निकालना है, लोड निकालना है, तो लोड नहीं, आपको निकालना है सिग्मा सी, यानी कि स्ट्रेस इन कंक्रीट, क्योंकि लोड तो आपको पता चल गया है, आपको अब जानना है कि स्ट्रेस कितना लग रहा है कंक्रीट के ऊपर, ठीक है, क्योंकि स्टील के अंदर आप जान चुके हैं एम इंटू सिग्मा सी, तो कंक्रीट के अंदर वो भी इक्विवेलेंट सेक्शन पे, इक्विवेलेंट सेक्शन पे कंक्रीट पे जितना लोड लग रहा है उसे हमें जानना है, तो वो है हमारा पी डिवाइड बाय एम ए एस टी प्लस ए सी। एम ए एस टी प्लस ए सी जो है इसी को हम कहते हैं एरिया ऑफ इक्विवेलेंट, यानी कि सेफली एरिया डिजाइन के लिए, ठीक है। तो सिग्मा सी इज इक्वल टू पी डिवाइड बाय ए इक्यू सी, ओके। तो जो हमारा एम ए एस टी डिवाइडेड फोर है, एम ए एस टी डिवाइडेड फोर, ये है क्या, ये क्या शो कर रहा है, ये कर रहा है इक्विवेलेंट सेक्शन की वैल्यू को। तो नेक्स्ट पॉइंट, द एक्सप्रेशन इज डिनोमिनेटर, यानी कि जो एक्सप्रेशन है हमारा डिनोमिनेटर में, यानी कि ए इक्यू सी में क्या एक्सप्रेशन था हमारा, ए सी प्लस एम ए एस टी इज कॉल्ड इक्विवेलेंट एरिया, उसे हम क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट एरिया कहेंगे ऑफ द सेक्शन, सेक्शन का इक्विवेलेंट एरिया क्या होगा, ए सी प्लस एम इंटू ए एस टी इन टर्म ऑफ कंक्रीट, किसके टर्म में कहेंगे हम इसको, कंक्रीट के टर्म में कि ये इक्विवेलेंट एरिया है, बट इट मींस द एरिया ऑफ स्टील ए एस टी, यानी कि इसका अर्थ ये हुआ कि जो एरिया ऑफ स्टील ए एस टी है कैन बी रिप्लेस बाय द इक्विवेलेंट एरिया, उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं इक्विवेलेंट एरिया से, ठीक है, इक्विवेलेंट एरिया से, किसके साथ, कंक्रीट के साथ, जो कि एम ए एस टी है। तो इसके अनुसार हमने ये जाना कि हम जो है ए एस टी जो है ए एस टी को रिप्लेस कर सकते हैं हम ए सी से, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ए ई क्यू सी बराबर ए सी प्लस एम ए एस टी है, तो हमने ए सी को भी क्या बना देना है, ए एस टी की फॉर्म में बना देना है। क्यों बनाना है इसको हम एंड में बताएंगे कि हमने क्यों बनाया। तो ए सी बराबर होता है ए माइनस ए एस टी, ए सी मतलब एरिया ऑफ कंक्रीट, ए एस टी माने एरिया ऑफ स्टील, और ए माने टोटल एरिया। तो अगर आपको एरिया ऑफ कंक्रीट निकालना है तो आप टोटल एरिया में से एरिया ऑफ स्टील घटा देंगे तो क्या आएगा, एरिया ऑफ कंक्रीट। तो हमने यहाँ पे लिख लिया है ए माइनस ए एस टी प्लस ये एम ए एस टी। अब हमने क्या करा, अब हमने, आप ये देख रहे हैं, इंटरचेंज कर दिया एम ए एस टी को आगे ले आए, माइनस ए एस टी को पीछे लेके आए, ए एज इट इज लिखा, प्लस का साइन एज इट इज लिखा, जब हमने ए एस टी को कॉमन लिया तो एम माइनस वन आया, जो ये हमारी इक्वेशन आई इसी को हम क्या कहते हैं, एरिया ऑफ इक्विवेलेंट, ठीक है, इक्विवेलेंट सेक्शन ऑफ एरिया। तो हमने यहाँ पे क्या जाना है कि देयरफॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडुलर रेशियो मेक इट्स पॉसिबल टू ट्रांसफॉर्म द कंपोजिट सेक्शन इनटू अ इक्विवेलेंट सेक्शन मेड अप ऑफ वन मटेरियल, यानी कि ये कहता है जब हम इस कॉन्सेप्ट को निकालते हैं मॉडुलर रेशियो से तो क्या होता है, हमारा जो ट्रांसफॉर्म कंपोजिट सेक्शन है, जो ट्रांसफॉर्म कंपोजिट सेक्शन है वो इक्विवेलेंट होगा, ठीक है, इक्विवेलेंट होगा, और वो इक्विवेलेंट एरिया कब होगा, जब वो एक ही मटेरियल का बना हो, जैसा कि हमने यहाँ पे जो
एसी यानी कि एरिया ऑफ कंक्रीट आ रहा था, यानी कि अदर मटेरियल आ रहा था, उसको भी हमने किस में बदला, स्टील में बदला। तो इसलिए ये एरिया ऑफ इक्विवेलेंट कहलाया, क्योंकि अगर हम मॉडल रेशियो कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं तो हमें एक ही मटेरियल को लेना होगा। तो इसलिए हमारी जो वैल्यू आई इक्विवेलेंट एरिया की, MAS/4I। तो इस तरीके से हमने सीखा कि किस तरीके से हम कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफॉर्म और इक्विवेलेंट सेक्शन को निकाल सकते हैं। उसे निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है आपके पास, जो आपने ड्राइव करा है, A+M-1 × AST। इसकी मदद से आप अपने RCC स्ट्रक्चर के लिए इक्विवेलेंट सेक्शन निकाल सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।